प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है, घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं। और सर मेरा 3 बच्चे हैं, सर मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर मजदूरी करता है, मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में, आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को गरीब को आप इतना देखें जे मत पूछिए, हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहने बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं, और पूरा खुशी खुशी से मनाया जाता है, और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो? जी सर, 3 बच्चा है, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे नहीं, समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका, तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या? सर समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं, क्यों समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के, तेकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अति हैं। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल। तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का, बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर बच्चों को पता है। अच्छा गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी है सर। पूरा गांव में जहां तक हम रहते हैं कटैया में सबको उज्ज्वला गैस मिला है, घर तक पहुंच गई, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए सबको पहुंचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती हैं, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसका, उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है, और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के, हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं,
वो फलाना है, वो डिकना है, नहीं, हम सब महिला एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ।